Good afternoon, everyone. कैसे हैं आप लोग? वॉइस क्लियर है सबको? ओके वत्सल, नो प्रॉब्लम बेटा. ओके अनूप, गुड. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ नया नहीं पढ़ा था, सिर्फ हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, राइट? कोई बात नहीं वत्सल, नो प्रॉब्लम बेटा. सिर्फ हम लोगों ने कुछ एक दो एग्जाम्पल्स पढ़े थे, कुछ भी नया नहीं पढ़ा था प्रीवियस क्लास में. और किसी का कोई क्वेश्चन है कि हम लोग नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज? ओके अनुराग, क्वेश्चन नंबर 10. बेटा पेज नंबर बता सकते हो मुझे आप? सौरभ नहीं, अभी अपलोड नहीं है बेटा, अपलोड हो जाएगा. वत्सल, यूट्यूब में अपलोड होगा बेटा, आप देख लेना. पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 10. किसका क्वेश्चन है ये अनुराग? मैंने प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ाया था अनुराग. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है. आपने प्रीवियस क्लास नहीं किया था क्या? ओके संतोष, क्वेश्चन नंबर 9. बेटा साथ में पेज नंबर भी बताओ. आप लोग एक्सरसाइज का पूछ रहे हो कि एग्जांपल पूछ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 14. अनुराग सेम है बेटा, मैं जो देख रही हूँ वो तो मुझे सेम दिख रहा है. चलो मैं एक बार डिस्कस कर लूंगी, ठीक है? सौरभ गौर, आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, राइट? तो संतोष कुमार को क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉब्लम है. संतोष बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि एग्जांपल है, एक बार मुझे बता दो आप. वेरी गुड, आज आप लोग क्वेश्चन किए हो, वेरी गुड. संतोष एक्सरसाइज, ओके एक्सरसाइज आई थिंक 1.2 होगा फिर आपका, राइट? मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिख रही हूँ, आप बताना यही है कि नहीं. 1 अल्फा बीटा प्लस गामा. नेक्स्ट भी आ गया था 1 बीटा अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा. यही है बेटा? ओके गुड. नेक्स्ट है 1 गामा अल्फा प्लस बीटा. हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या फिर मैं नॉर्मली कहूँ तो मुझे इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करना, राइट? बहुत आसान है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना था हमें इसमें. ओके वत्सल, चलिए एक एक की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. पहले संतोष की सॉल्व करते हैं, फिर सौरभ गौर की, फिर बाकी लोगों की. ओके अनुराग, मैं समझ गई आपको क्या डाउट है, मैं बता दूंगी. उसमें प्रूफ नहीं करना है बेटा, वो मैं बताऊंगी आपको, अभी परेशान नहीं. देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने चेक किया क्या किसी रो या किसी कॉलम में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है. अगर आप चेक करोगे तो हमें कहीं कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है. ये हम जो पढ़ रहे हैं, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 9. एक्सरसाइज दिया गया है हमें 1.2, पेज नंबर 23, राइट? अब चलिए अगर हम चेक करते हैं क्या रो कॉलम को ऐड करने पे हमें सेम मिल रहा है. अगर मैं रो को ऐड करूंगी तो आएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. यहाँ पे भी आएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. सीक्वेंस अलग हो सकता है. तो मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया? मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3. क्यों? क्योंकि मुझे कॉमन मिल रहा था. ऐड करने पाया 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. यहाँ भी आया 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. और यहाँ भी आएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट? डिटरमिनेंट बनाइएगा यहाँ पे. ये अल्फा, ये पेज, गुड आफ्टरनून बेटा.
दिस इज बीटा प्लस गामा, देर इज अ बीटा, गामा प्लस अल्फा, और यहाँ आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, राइट। अब आप चेक करोगे तो यहाँ आपको कॉमन मिल रहा है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जब आपने उसको बाहर निकाला तो यहाँ आएगा 1 1 1, दिस इज अल्फा बीटा एंड गामा, और यहाँ आएगा आपका बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, और यहाँ आएगा अल्फा प्लस बीटा। हमने रूल पढ़ा हुआ है जिसके अकॉर्डिंग अगर हमें 3 1 मिल रहे हैं तो हम उसको क्या बना लेते हैं, हम उसको 2 0 बना सकते हैं। कैसे? पहले वाले कॉलम को दूसरे कॉलम से माइनस कीजिए और दूसरे कॉलम को तीसरे से। दैट मीन्स क्या आएगा, C1 में C1 माइनस C2 कर दीजिए और C2 में क्या कर दीजिए, C2 माइनस C3। हम करते हैं, सबसे पहले आप चेक करोगे क्या आएगा, 1 में से 1 माइनस होगा, दैट इज 0, राइट। अल्फा में से बीटा माइनस होगा तो आएगा अल्फा माइनस बीटा, और बीटा प्लस अल्फा में अल्फा प्लस हमें गामा प्लस अल्फा करना है, राइट। मैंने लिख क्या दिया, मैंने लिखा बीटा प्लस गामा माइनस गामा प्लस अल्फा, लिख के करिएगा, कभी गलत नहीं होगा। ये बीटा प्लस गामा तो आगे रख जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, तो आएगा माइनस गामा माइनस अल्फा, ये दोनों कट जाएंगे, एक प्लस एक माइनस, बचेगा क्या, हमें मिलेगा बीटा माइनस अल्फा, राइट। सिमिलरली हम सेकेंड कॉलम को थर्ड से माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस 0, बीटा में से गामा माइनस होगा तो आएगा बीटा माइनस गामा, और अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा से अल्फा प्लस बीटा आप माइनस करोगे, लिख के करना, तो यहाँ आएगा आपका गामा माइनस बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, लास्ट आएगा 1 गामा अल्फा प्लस बीटा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो बाहर था हमारा वो याद रख जाएगा, क्या था यहाँ पे, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को ऐसे ही लिखते हैं। अब हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, दैट इज प्लस माइनस प्लस, ये जीरो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, 0 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, राइट। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख दे रही हूँ, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बार मल्टीप्लाई होगा आपका अल्फा माइनस बीटा का गामा माइनस बीटा के साथ, राइट। देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लगाया, बीटा माइनस गामा और बीटा माइनस अल्फा, एक्सपेंड कर दीजिए पूरा, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो बाहर था वो एज इट इज रहेगा, ओके। क्या कर देंगे, R2 में R2 प्लस R3 कर देंगे, राइट, वेरी गुड बेटा। अनुराग के अकॉर्डिंग ये एक तरीका था, ठीक है, आप इसके थ्रू सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा, पहले मैं ये बता देती हूँ फिर वो भी बता दूंगी। अनुराग वेरी गुड बेटा, गुड। अब इसको आप ओपन करोगे पूरा तो क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा का गामा माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा का गामा के साथ करोगे तो अल्फा गामा, अल्फा का बीटा के साथ करोगे आप तो अल्फा बीटा, राइट। सिर्फ माइनस बीटा का गामा के साथ करेंगे तो माइनस बीटा गामा और प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे ही आप यहाँ पे भी एक्सपेंड करोगे बाहर माइनस लगा के तो आएगा बीटा स्क्वायर, बीटा का बीटा के साथ करेंगे तो बीटा स्क्वायर, बीटा का अल्फा के साथ करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा, माइनस गामा का बीटा के साथ करेंगे तो माइनस गामा बीटा, और माइनस गामा का माइनस अल्फा के साथ करेंगे तो माइनस अल्फा गामा, राइट। जब आप ये पूरा ओपन करोगे तो प्लस माइनस के साथ पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मीन्स आपको मिलेगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाई 0। कैसे, ये माइनस अंदर जाएगा तो सबका साइन बदलेगा, यहाँ पे बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर, कैंसिल, अल्फा बीटा ये प्लस हो जाएगा तो सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, आंसर क्या आ जाएगा, 0, राइट। किसने पूछा था ये क्वेश्चन, संतोष कुमार बेटा, क्लियर है, ये लिख लीजिए, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व करेंगे, ये पहले सब लोग लिख लीजिए और बताइएगा कहीं कोई दिक्कत है तो। संतोष बेटा तुम्हारा क्लियर हुआ,
ओके गुड संतोष, बाकी लोग रिस्पॉन्स करो बेटा, क्लियर है कि नहीं? ये पूरा लिख लीजिए देन रिस्पॉन्स करिए। ओके 6 लाइन बेटा, 6 लाइन कहाँ से? सौरभ बिल्कुल अभी कर रहे हैं बेटा, वही मैंने कहा ना, अभी एक तरीका और कर रहे हैं वो। यहाँ पे नॉर्मली हमें क्या करना है, नॉर्मली हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, राइट? एक ब्रैकेट में लिखा था अल्फा माइनस बीटा और दूसरे में लिखा था गामा माइनस बीटा, हमें सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। एक बार अल्फा का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, देन बीटा का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना। ओके लिख के बताइएगा सब लोग, देन मैं रब करके इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका बताऊंगी। हर क्वेश्चन को करने के एक दो तरीके होंगे, आपका दिमाग कहाँ चलता है आपको वो समझना है, राइट? जितने भी क्वेश्चन है सब दो तरीके से। देखो ये लंबा मेथड था जहाँ पे हमने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और कर दिया। मैं जितने भी क्वेश्चन है सबको आपको दो दो तरीके बताऊंगी। एक तरीका है बिना दिमाग लगाए मेहनत करते जाओ, और आप देखोगे जरा सा आप हल्का सा दिमाग लगाओगे तो आपका क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व होगा। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन पहले बड़े मेथड से किया था और दो लोगों का दिमाग लगा क्वेश्चन में, अच्छा लगा मुझे। सौरभ गौर अनुराग इन दोनों के दिमाग लग गए। अतुल मैं समझी नहीं बेटा आपकी बात, लिख लिया सबने? चेक करते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ओके डन, वत्सल डन, बाकी लोग बताओ बेटा लिख लिया? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी आसान सा तरीका। ओके हिमांशु जहां मैंने मल्टीप्लाई किया है, ओके देखो बेटा क्या किया है मैंने, देखो लिखा क्या है अल्फा माइनस बीटा और यहाँ है गामा माइनस। सबसे पहले अल्फा का मल्टीप्लाई गामा के साथ करो तो क्या आएगा, अल्फा गामा, राइट? दूसरा मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस बीटा के साथ करो तो माइनस अल्फा बीटा, राइट? देन माइनस बीटा का गामा के साथ करो तो माइनस बीटा गामा, और माइनस बीटा का माइनस बीटा के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बीटा स्क्वायर, राइट हिमांशु? वेरी गुड, मैं यही चाहती हूँ बेटा, मैं कोई भी क्वेश्चन करूँ, मैं जो भी मेथड लगाऊं आप अपना दिमाग लगा के मुझे बताओ। और कई लोगों ने बताया है अच्छा है, अतुल रितेश और सौरभ अनुराग, गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इससे इसके ये पता चल रहा है कि हाँ आपने एक्सरसाइज लगाई हुई है। रितेश अभी और कम स्टेप्स करेंगे, परेशान नहीं हो बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन में करने जा रही हूँ दूसरे मात्रा से, आप खुद कहोगे कि थोड़ा सा दिमाग लगाना ज्यादा अच्छा है। ये हुआ अल्फा बीटा गामा, दैट इज बीटा प्लस गामा, यहाँ आएगा गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। अभी हमने क्या किया था, अभी मैंने तीनों को ऐड करके कॉमन निकाला था। दूसरा मेथड आपसे कह रहा है आप सिर्फ R2 और R3 को जरा ऐड करके देखिए, इन दोनों को अगर आप इनको ऐड करेंगे तो भी क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स आप कॉमन ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने पहली रो में कोई चेंज नहीं किया, दूसरी रो में R2 और R3 को ऐड करके लिखा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और थर्ड में भी आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। थर्ड वाली भी मैंने सेम छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं किया हुआ है, राइट? अब आप चेक कर सकते हो सेकेंड वाली रो से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाहर आ जाएगा, ये होगा 1 1 1, 1 1 1, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम बराबर होते हैं तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जीरो, राइट? आप चेक करोगे तो यहाँ पे रो 1 और रो 2 की वैल्यू सेम दी गई है, तो मैंने इसको डायरेक्ट क्या कर दिया, जीरो। और किसी का भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, जीरो। दैट मीन्स आपने लॉन्ग मेथड यूज किया था तो भी आपका जीरो आया था, और यहाँ पे हमने दो स्टेप्स में भी इसको जीरो कर लिया।
इसीलिए कोशिश करिएगा डिटरमिनेंट में कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करने को दिया जाए या सॉल्व करने को, तो पहले थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा। आएगा दोनों से आंसर सेम, नो डाउट, आंसर बिल्कुल भी अलग नहीं आएगा आपका, बट आपके स्टेप्स कम हो जाएंगे वहां पे, राइट? ये वाला भी और करके लिख लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कौन सा मेथड यूज करना ज्यादा आसान है। ओके, हाँ वत्सल, बिल्कुल ये इजी है, तभी तो मैं कह रही हूँ थोड़ा दिमाग लगाओगे। देखो बेटा, दो तरह से काम होता है, एक काम होता है आप कभी भी अगर आप लाइफ में भी सोचोगे तो दो तरह से काम होता है, एक होता है आप मेहनत कर करके करते हो, राइट? अगर आप नॉर्मल से एक मजदूर की बात करोगे तो वो भी दिन भर में 500 या 600 रुपए कमा लेता है फॉर एग्जाम्पल, और एक नॉर्मल किसी पर्सन की बात करोगे जो ऑफिस में काम करता है, मान लो वो भी दिन भर में 500 से 600 रुपए कमा रहा है, एक दिन की बात कर रही हूँ। बट मजदूर सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता है, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक वो बहुत मेहनत कर रहा है, राइट? मतलब हार्ड वर्क है। और जो ये ऑफिस में बैठ के कमा रहा है, किसी भी ऑफिस में, वो क्या कर रहा है? स्मार्ट वर्क। ऐसा तो नहीं है कि वो मजदूरी कर रहा है, वो स्मार्ट वर्क करके काम कर रहा है। तो अर्न करना आसान है, बट आपका अर्न करने का तरीका क्या है, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो कि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क कर रहे हो, वो जरूरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको हमेशा स्मार्ट वर्क करना है। ओके, कोई दिक्कत? बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। अनुराग, राइट बच्चा, डन। अब किसका क्या क्वेश्चन था? नेक्स्ट क्वेश्चन किसने पूछा था बताओ? क्वेश्चन नंबर 10, अनुराग। ओके अनुराग, तुम्हारा क्वेश्चन बेटा मुझे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ मुझे बताना है। देखिए, उस दिन हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, हमसे कहा है आपको बताना है कि 1 + 1/a, 1/b, 1/c, ये है, क्या है ये एक फैक्टर है किसका? 1 + a, 1 1, 1 1 + b, 1। आपको याद होगा ये एग्जाम्पल किसी ने प्रीवियस क्लास में पूछा था और मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था, राइट? जब हमने इसको सॉल्व किया था पहला स्टेप, तो हमें क्या आया था? 1 1/a, 1/b, 1/c, और यहाँ पे कोई भी एक डिटर्मिनेंट बन के आया था। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है बेटा कि आपको सॉल्व करके आंसर देना है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो भी ये टर्म लिखा हुआ है ये इसका फैक्टर है, और डिटरमिनेंट के बगल में यहाँ पे जो भी लिखा होता है वो उसका फैक्टर होता है। तो अगर आपको बाहर ये मिल रहा है, दैट मींस ये डिटरमिनेंट का एक फैक्टर है और आप आंसर यहीं पर लिख दोगे, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और अगर आपका एबीसी भी आ रहा है तो एबीसी भी एक फैक्टर है, और 1 + 1/a + 1/b + 1/c भी उसका एक फैक्टर है। फैक्टर का ये मतलब नहीं होता है कि उसके साथ कोई और नहीं आ सकता है। जैसे देखो, मैं आपसे कहूँ मैंने एक इक्वेशन को सॉल्व किया है और मुझे मिला है x + 2 x - 3 = 0। तो x की दो वैल्यू है, एक वैल्यू है -2 और एक वैल्यू है 3। तो अगर कोई आपसे कहेगा कि x - 3 इसका एक फैक्टर है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि x - 3 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। उसके अलावा कुछ आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, बट वो आना जरूरी है। तो वैसे ही हमारे क्वेश्चन में अगर ए बी सी आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, बट क्या आना कंपलसरी है? 1 + 1/a, 1/b, 1/c। ओके अनुराग, ओके गुड बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है सौरभ गौर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज हमारी सेम चल रही है 1.2। जिसने क्वेश्चन लगाए होंगे उनको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं लगाए होंगे उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कौन डिस्कस करेगा? दैट इज 1a a³, 1b b³, 1c c³। सौरभ, यही क्वेश्चन है बेटा। हमें प्रूफ करना है कि जब भी हम ये वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आपकी होती है a - b, b - c, c - a, a + b + c। अब बताओ मुझे, कोई ये क्वेश्चन मुझे समझाएगा क्या? सब लोग देख लो आराम से, क्या किसी का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है? कोई मुझे बताएगा? अनुराग, सॉल्व हो गया है बेटा? किसी ने किया है तो बताइए।
ओके अनुराग समझाओगे बेटा, अनम्यूट करूं मैं? ओके अनुराग, नो प्रॉब्लम। अनुराग क्या का नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। वत्सल आप बताओगे क्या, आपने रिजाइन किया हुआ है? ओके अनुराग, नो प्रॉब्लम बेटा, नेटवर्क इशू होगा थोड़ा। चलिए फिर आप लोग, अगर किसी के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज पर बताइए कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया हुआ है। ओके देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आई डोंट नो आपने ध्यान है आपको कि नहीं। मैंने आपसे कहा था आपको एक कॉपी बनानी है, राइट? ये आपका होमवर्क था, मैंने कई दिन पहले दिया था। वो कॉपी आपकी अच्छी होनी चाहिए, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि आप आज यूज कर रहे हो कल खराब हो जाए। दैट मीन्स आपको एक छोटी सी कॉपी बनानी है, ऐसी बनानी है कि कम से कम 4 से 5 साल तो वो मेरी कॉपी चली जाए, जब तक हम पढ़ाई कर पाए, राइट? और उसमें मैंने आपसे कहा था आपको सारे बेसिक फॉर्मूले यूज करने, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूलेज आपको लिखने हैं। अगर आप ये लिखे रहोगे तो आपको बहुत आसान होगा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट? चलिए अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, लिखा था 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। हमारे अकॉर्डिंग सबसे बेसिक तरीका क्या है? सबसे बेसिक तरीका कह रहा है अगर आपको 3 1 मिल रहा है तो आप उसको 2 0 बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इन 3 1 को रो में लेके आया। रो में लाने के लिए सिर्फ रो कॉलम को एक्सचेंज कीजिए। जो पहला कॉलम था मैंने उसको पहली रो बना दिया, जो दूसरा कॉलम था मैंने उसको दूसरी रो बनाया, एंड जो हमारा तीसरा कॉलम था मैंने उसको तीसरी रो बना दिया, राइट? अब क्या करिए, इतना करने के बाद मैंने डायरेक्ट कॉलम 1 को कॉलम 2 से माइनस किया, कॉलम 2 को कॉलम 3 से माइनस किया। क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 1 में से 1 गया तो 0, ए में से बी माइनस हुआ तो ए माइनस बी, ए क्यूब में से बी क्यूब को माइनस किया तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर? मैंने कहा आपसे कोई भी क्वेश्चन करने के कई तरीके, ये सबसे बेसिक तरीका था, हमारा कहीं दिमाग नहीं लगे तो हम डायरेक्ट ये कर सकते थे। ओके अब कॉलम 2 को कॉलम 3 से माइनस कीजिए, 1 में से 1 माइनस हुआ दैट इज 0, ओके बी में से सी माइनस हुआ तो बी माइनस सी, बी क्यूब में से सी क्यूब माइनस हुआ दैट इज बी क्यूब माइनस सी क्यूब, लास्ट वाला सेम। एक्सपेंशन कर सकते हैं आप, अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो पहला 0 दूसरा 0, हमें सिर्फ 1 के लिए एक्सपेंशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप ए माइनस बी और ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस सी और ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। किसी को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है? चलिए रिस्पॉन्स करिए, ये 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। अब मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। क्या किसी को फॉर्मूला आता है? पढ़ा होगा आपने लोअर क्लास में, बताइए फॉर्मूला क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? सौरभ क्लियर है बेटा इतना? कई लोग मीटिंग छोड़ रहे हैं, उन्हें क्वेश्चंस करना अच्छा नहीं लग रहा होगा, और कई लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। रविंद्र रामायणा, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो बेटा। विदुषी यथार्थ अनूप, बताइए आपको फॉर्मूला पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा है मैंने वत्सल, पता है तो बताइए क्या होगा फॉर्मूला। रियलमी कौन है? रियलमी बेटा अपना नाम रीनेम कर लो। अनुराग गुड गुड अनुराग, और कोई बताइए फॉर्मूला।
क्या प्रॉब्लम है रामायण बेटा? कहाँ का छूट गया, क्या नहीं समझ में आ रहा है? पूछो मुझसे जो नहीं समझ में आ रहा है। रामायण बेटा आपको कोई भी दिक्कत है आप डिस्कस करो। देखिए मैंने क्या किया, मैंने ए माइनस बी को आधा तक रख दिया, उसका कोई फॉर्मूला नहीं था। हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सबसे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी कर दीजिए, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। रामायण ये कोई बात नहीं होती है बेटा, क्लास में भी आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब करोगे तो बी माइनस सी, राइट, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ये बेसिक फॉर्मूला मैंने ये वाला यूज किया है, आपको बेसिक फॉर्मूले थोड़े बहुत लिखे होने चाहिए, नेट पे आप देखोगे मिलेगा। माइनस लगाया मैंने, इफ बी माइनस सी को मैंने आधे तक लिखा, यहाँ पे किया मैंने तो क्या आ गया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब चलिए यहाँ लिख रही हूं मैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? यथार्थ प्लस होता है बेटा अंदर। देखो पूरे में अगर आप चेक करोगे तो देखो ए माइनस बी दोनों साइड है, बी माइनस सी दोनों साइड है, तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं ए माइनस बी बी माइनस सी? बाहर अंदर मिलेगा क्या हमें, अंदर एक तो ये बचेगा, क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, राइट। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये भी बचेगा, बट बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और आप चेक करोगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे। ओके अब अगेन आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये आएगा ए माइनस बी बी माइनस सी, बाहर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा कॉमन लेना होगा, ये लिखा हुआ है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आपने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाया तो क्या आया, सी माइनस ए सी प्लस ए, राइट, और बी सी और माइनस ए बी, इसमें से क्या माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, सॉरी प्लस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, सी माइनस ए। अगेन पूरे में सी माइनस ए को कॉमन लिया मैंने तो ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, तो अंदर बच गया ए प्लस बी प्लस सी, और आप चेक कर सकते हो हमें यही राइट हैंड साइड में प्रूफ है। किसी को कोई दिक्कत? सौरभ गौर क्लियर है बेटा आपका? ओके बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन? हिमांशु और एक और क्या बताएं बेटा, ये फॉर्मूलेज ऊपर जो लिखे हैं मैंने ये अलग लिख लीजिएगा, इन दो फॉर्मूले का यूज किया है मैंने पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करने में, और आपकी होमवर्क वाली कॉपी में भी ये फॉर्मूला लिखा होना चाहिए। बाकी सब लोग रिस्पॉन्स करिए क्लियर है कि नहीं? ओके वत्सल वेरी गुड बेटा, अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, कोई एक पूछ रहा है तो ऑब्वियस है वो आपके पूरे सबका हो रहा है। मल्टीप्लाई जो किया है मैंने, मैंने मल्टीप्लाई कहाँ किया है बेटा, मल्टीप्लाई नहीं किया है मैंने, तो फॉर्मूला लिखा है, एक एक क्वेश्चन करके एक्सरसाइज के तीन चार क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। विदुषी क्लियर है बेटा? वत्सल गुड बेटा, विदुषी यथार्थ आपके क्लियर है? रितेश ओके बेटा, यथार्थ विदुषी गुड, संतोष कुमार यस ओके, देन आगे बढ़ा जाए। अब जिसके जो क्वेश्चन हैं आप लगाइएगा क्वेश्चन, छोटे से भी फंसेंगे आप क्वेश्चन लगाइए, कोई डाउट होता है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है, या कोई छोटा सा डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको देख के बता दूंगी।
और ऐसा भी होगा कि मैं लेट बताऊंगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ आपको। ओके देन चले फिर आगे बढ़े हम लोग। ओके गुड, ये लिख लिया होगा सबने राइट। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हम किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं तो आप करिएगा सॉल्व, ठीक है। हो सकता है मैंने थोड़ा जो बताया हूँ वो टफ हो, आप और आसान दिमाग लगा लीजिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो, अगर आपका कोई और मेथड लग रहा है, कोई और चीजें लग रही है, तो आप उसको भी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके देन आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ओके यथार्थ क्वेश्चन नंबर 19। यथार्थ में ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ बेटा, अगेन एक बार समझा दे रही हूँ, बट मैंने ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें सॉल्व करना है दैट इज एक्स प्लस ए ए ए, कोई बताएगा। नेक्स्ट दिया गया है बी एक्स प्लस बी बी एंड सी सी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन हमें प्रूफ नहीं करना है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, राइट अनुराग। ये क्वेश्चन हो चुका है बेटा, ये था शायद आपने क्लास मिस की हुई है इसलिए आपको नहीं ध्यान है। जो भी क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है, मैं हिंट दे रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट क्लास खत्म ही होने वाली है, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेके चलना होता है, राइट। अगर आप इस क्वेश्चन में चेक करोगे तो अगर आप रो को ऐड करते हो तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? x प्लस थ्री ए एक्स प्लस थ्री बी एक्स प्लस थ्री सी, कुछ भी काम नहीं बन रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम कॉलम्स को ऐड करते हैं। ओके जब आप कॉलम्स को ऐड करोगे, मैंने लिखा सी वन में सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये कॉलम को ऐड किया है मैंने बेटा, ये कॉलम और ये कॉलम। यहाँ पे भी मिलेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी मिलेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यथार्थ क्लियर है? बाकी दोनों को सेम रख दो, b x प्लस बी बी दिस इज सी सी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, दोनों साइड लेके चलेंगे क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको पूरे में कॉमन मिल जाएगा क्या, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बचेगा यहाँ वन 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 दैट इज बी सी एक्स प्लस बी सी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब हमने क्या किया, हमें तीन वन मिले थे तो हम इन तीन वन को रो में ट्रांसफर करते हैं। रो में ट्रांसफर करने से क्या होगा, आप जीरो ले आएंगे इजिली और काम हो जाएगा। तो मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके सारे रो को कॉलम में भेज दिए। तो पहले कॉलम रो में हुआ वन वन वन, देन आएगा b x प्लस बी सी एंड नेक्स्ट आएगा c c x प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। सबको याद होगा अगर हमें तीन वन मिला है तो हम दो जीरो बना सकते हैं, कैसे? c1 में c1 वन माइनस सी टू करते हैं और कॉलम टू को कॉलम थ्री से माइनस कर देते हैं, तो बाहर मिला आपको x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, राइट। अब हम माइनस करेंगे तो वन में से वन माइनस होगा जीरो, b में से माइनस करना है क्या, x प्लस बी, करके देखिएगा b माइनस x प्लस बी, राइट। ये क्या हो जाएगा, b माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x माइनस बी, b से b कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या माइनस x, और c से c कैंसिल होगा तो आएगा जीरो, राइट। सिमिलरली अगर हम x प्लस बी से c को माइनस करेंगे, वन में से वन माइनस किया तो जीरो, इनको माइनस करेंगे तो आएगा x प्लस बी माइनस सी, और अगेन c में से x प्लस सी को करोगे तो आएगा माइनस x, हो जाएगा वन सी एक्स प्लस सी। बस एक्सपेंशन कर दो बेटा, आंसर आ गया। एक्सपेंशन करेंगे तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, पहला जीरो दूसरा जीरो, वन के लिए एक्सपेंशन करोगे तो माइनस एक्स का माइनस एक्स के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होके जीरो ही आएगा। तो आपको दो मिला, पहला मिला आपको एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी और दूसरा मिला एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, आर टू में सी नहीं, सी नहीं बी है। ओके ओके हाँ मुझे लगा था,
यहाँ पे से क्या मिलेगा मुझे, एक्स मिलेगा। ओके आशुतोष, मुझे लगा था यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ ही है। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एक बार क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी को आप 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। और दूसरी बार आप एक्स स्क्वायर को 0 के बराबर करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 0। एक्स की दो वैल्यू आई, पहली वैल्यू होगी 0 और दूसरी होगी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। राइट, किसने पूछा था, यथार्थ। क्लियर है बेटा? सौरभ 1.3 का क्वेश्चन बेटा पूछ लेना। वैसे 1.3 पूरा क्रैमर्स रूल पे है, तो अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसने पूछा था अभी, तो बेटा तुम वो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजना, मैं देख लूंगी तुम्हारा कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ है। उसमें 1.3 का मैंने बताया है आपको, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 गलत है, वो मिसप्रिंट दिया हुआ है। जहाँ पे वाई जेड दिया हुआ है वो मिसप्रिंट दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होइए। सो मेरे अकॉर्डिंग 1.1 में 3 क्वेश्चन रूल ऑफ सारस था, आपका हो गया होगा। 1.2 ऑलमोस्ट मैंने करा दिया है आपको। 1.3 सिर्फ और सिर्फ क्रैमर रूल है, अगर आपने दो क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली तो आपका हो जाएगा। सो चैप्टर 1 ऑलमोस्ट खत्म है, तब भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। ओके, यथार्थ किसी भी तरीके से लगाओ बेटा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप कोई भी तरीका यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका वो वे सही होना चाहिए बस। देन ये मान के चले हम लोग चैप्टर 1 हम लोग का फिनिश है। जिसका नहीं होगा वो भी सॉल्व करना बेटा, और कोई भी दिक्कत हो छोटे से छोटे क्वेश्चन में अगर आप फर्स्ट रहे हो तो आप मुझसे पूछ लेना। डन। मैथ्स किसी को टफ तो नहीं लग रही है अभी भी? ओके रितेश, नो डाउट, वेरी गुड। वत्सल, यथान, गुड बेटा। अगर अभी भी मैथ्स टफ लग रही है तो प्लीज मुझसे बात जरूर करना। अभी टफ लगेगी तो आगे भी लगेगी, इसलिए अभी अगर टफ लग रही है तो आप अभी मुझसे बात कर लो। विदुषी, क्लियर, आशुतोष, अनुराग, बाकी लोग जिन्होंने आज डिस्कस नहीं किया है वो भी क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, ओके बेटा, गुड। देन फिर आज की क्लास इतनी रखा जाए, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग अब फाइनली मैट्रिक्स स्टार्ट किया जाएगा अपना सेकेंड चैप्टर। थोड़ा सा मैंने एक दिन डिस्कस किया था बट मैं फिर से वो रिवीजन कर दूंगी। ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन।